بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. पिछले 10 में बातें चल रही थी, दिमना के कलाम से के ताल्लुक से। दिमना जिसके अंदर असद को या शेर को उकसा रहा है, भड़का रहा है। और यह बात थी कि वह आलम अय्युहल मलिकु अन्नहु मन लम यक़बल मिन नुसहाईहि मा यस्कुलु अलैहि बिमा यंसहून लहु बिहि लम युहमद रायुहु। यह तो बात हो चुकी थी, और इसके अंदर बात ये बताई गई थी कि जो भी आदमी अपने खैरख्वाहों की जानिब से उस नसीहत को नहीं कबूल करेगा, जो नसीहत कि उसके खैरख्वाह लोग उसको अता करते हैं या जो नसीहतें उसके पास लेकर के आते हैं और वो बज़ाहिर मुश्किल लगती है, तो ऐसे शख्स का इकदाम या ऐसे शख्स का फ़ैसला कभी भी काबिल तारीफ़ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो किसी की नसीहत पर अमल ही नहीं कर रहा है। अपनी दिमाग अपने आप जो कुछ सोच चाहता है वो करता है, तो ऐसा आदमी कभी भी क्या है, काबिल तारीफ नहीं निकलता आखिर में। ये बात पीछे आई थी और काफ़ी डिटेल से ये चीज़ समझाई गई थी, और ये कलाम जो है बहुत सारी चीज़ें ऊपर बताई गई थी। अब उसको मिसाल के ज़रिए से समझा रहा है कि कैसे कोई आदमी अगर किसी की बताई हुई बात को अगर नहीं मानता है, उससे रूगर्दानी करता है और बस अपनी ही बात पर तुले रहता है, तो ऐसा आदमी धोखे ही में पड़ता है, ऐसा आदमी परेशानी का सामना करता है। ये बात जो उसने बताई है तो उसको मिसाल के ज़रिए से भी समझा रहा है, और मिसाल दे करके तो वो कह रहा है कल मरीज़ अल्लज़ी यदउ मा यनअतु लहु अत्तबीबु व यअमिदु इला मा यश्तहीही। कह रहे हैं कि उस मरीज़ के मानिंद या उस मरीज़ की तरह से जो छोड़ देता है, तर्क कर देता है, तो कह रहे हैं कि वदअ यदउ, यहाँ पर जो फेल है इसका माना होता है तरका यतरुको का, इसका माजी इस्तेमाल नहीं होता है, मुजारे और अमरी इस्तेमाल में है। बाब फतह से आता है वदअ यदउ, तो कल मरीज़ उस बीमार की तरह से या उस मरीज़ की तरह से जो मरीज़ छोड़ देता है मा उस चीज़ को, मा यहाँ पर मौसूला है, मा उस चीज़ को यन अतु लहु अत्तबीबु, तो यहाँ पर असली इबारत की ऐसे है मा यन अतु लहु अत्तबीबु, यन अतु, तो माँ यहाँ पर ये मौसूला है, और मौसूला है तो लाजमी तौर पर उसके बाद जो जुमला है वो जुमला तो सिला होगा, या अगर जुमला नहीं भी दिख रहा है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जुमला लगता ही नहीं है, वहाँ पर एक ही लफ्ज़ होता है, तो वहाँ पर हमें जुमला मुकद्दर मानना पड़ता है, उसकी तकदीर माननी पड़ती है, क्योंकि मौसूल के बाद सिला का होना ज़रूरी है, एक जुमले का होना ज़रूरी है, जो जुमला चाहे जुमला इस्मिया हो या एक जुमला फेलिया हो, दोनों सूरतों में कोई भी जुमला हो सकता है। यहाँ पर जुमला फेलिया वाज़ेह तौर पर मजकूर है, तो मा यन अतु लहु अत्तबीबु, तो यहाँ पर जो इसकी असल है यन अतु लहु अत्तबीबु, तो यन मा यन अतु, तो यन अतु फेल है, न आता यन अतु के माने होता है, यहाँ पर जो इस सियाक में है वो है प्रिस्क्राइब करना, डॉक्टर जो दवाएं लिखता है बीमार को, तो ये जो दवाओं को लिखना बीमार के लिए यही होता है, इसी को नात कहते हैं अभी में, न आता यन अतु, यानी कि क्या दवाएं खानी हैं वो सारी चीज़ें जो लिखता है वही होता है, या उसी को वसफ़ा भी कहते हैं नहाता, और वो जो पर्ची होती है उसको क्या कहते हैं अरबी में, वसफ़तु तबीब, वसफ़तु तबीब, यानी कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वही चीज़ होती है। तो ये बात यहाँ पर हो गई, तो कह रहे हैं कि उस मरीज़ की तरह से जो मरीज़ छोड़ देता है उस चीज़ को, जिस चीज़ को उसके लिए डॉक्टर लिखता है, या उन दवाओं को, तो कह रहे कि कल मरीज़, अगर हम और ज़्यादा वाज़े तौर पर इसको कहें तो कहेंगे उस मरीज़ के मानिंद जो मरीज़ छोड़ देता है उस उन दवाओं को, जिन दवाओं को उसके लिए डॉक्टर लिखता है। तो मैंने इसे बताया नात या नतों का समान बताया कि इसका माना वही था, नात के माना असल माना होता है किसी का वस बयान करना, किसी की सिफत बयान करना, तो
तो यहाँ पर जो माना, यहाँ पर नात का माना क्या है कि डॉक्टर उसके लिए जिन जिन दवाओं का वस बयान करता है, जिन जिन दवाओं को लिखता है कि तुम्हारी ये बीमारी है, तुम्हें ये दवाएं खानी हैं, ये फला फला दवाएं हैं, ये ऐसी ऐसी दवाएं हैं, इन दवाओं का नाम ये है ऐसा है, तो दवाओं के बारे में सारी डिटेल जो लिखता है तो वही होता है नाता या नातू। तो कहेंगे कि उस मरीज़ के बारे में जो मरीज़ छोड़ देता है उस चीज़ को या उन दवाओं को जिन दवाओं को उसके लिए डॉक्टर लिखता है। वया अमीदु इला मा यश्तही है, तबीब के माना होता है डॉक्टर जमा अतिब्बा अतिब्बाउ तबीबुन अतिब्बाउ। तो यहाँ पर यनअतुहु लहु अत्तबीबु, तो यनअतुहु यनअतु फेल और उसके अंदर हुआ कि हक़ की ज़मीर है वो मफ़ूल भी इसका है और वही आयद है जो कि मौसूल की तरफ लौट रही है, वो ज़मीर वही आयद है क्योंकि सला के अंदर एक आयद का होना ज़रूरी है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटे। और यह आयद अक्सर हम देखते हैं जब वो मफ़ूल भी वाक़ होता है यानी कि वो फ़ज़ला होता है कलाम में, तो अक्सर अक्सर व बेशतर वो महज़ूफ़ ही मिलता है, जैसे यहाँ भी महज़ूफ़ है यनअतुहु इस तरह से है तो वो महज़ूफ़ है जो कि मफ़ूल भी है। लहू क्या है, मुतालिक है जार मजरूर इसी यनातों से, अत्तबीबो यनातों का फ़ाइल है, यनातो लहू अत्तबीबो, तो इस तरह से क्या है ये यनातो फ़ेल अपने मफ़ूल भी जार मजरूर और फ़ाइल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया हो गया और ये जुमला फ़ेलिया सिला हो गया। हमारे इसमें मौसूल का मौसूल और सिला दोनों को अगर समझने के लिए हम कहें कि मौसूल और सिला दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये मफ़ूल भी हो जाएगा, माँ इसमें मौसूल है सिला उसके ताबे है और इसमें मौसूल यहाँ पर क्या हो जाएगा फ़ी महल नस्ब हो जाएगा, नस्ब के महल में हो जाएगा क्योंकि मफ़ूल भी है। किसका मफ़ूल भी होगा यदउ फ़ेल का, और अब उसके बाद यदउ फ़ेल इसके अंदर हुआ कि ज़मीर फ़ाइल जो कि लौट रही है अलमरीज़ की तरफ और मा यनातो यनअतुहु लहु अत्तबीब, ये मौसूल और सिला मिल करके ये जो मफ़ूल भी है तो यदउ फ़ेल अपने फ़ाइल और इस मफ़ूल भी से मिल करके ये फिर दोबारा क्या है सिला बनेगा अल्लज़ी का, और अल्लज़ी फिर क्या हो जाएगा इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर के सिफत हो जाएगा अलमरीज़ की। तो इस तरह से वाजे होगी इसकी जो है बनावट जुमले की। तो कल मरीज़ अल्लज़ी यदउ लहु अल्लज़ी यदउ मा यदउ लहु तबीब, उस मरीज़ के माने जो कि छोड़ देता है उन दवाओं को जिन दवाओं को डॉक्टर उसके लिए लिखता है। वया अमीदु इला मा यश्तही, अमद या अमीदु माने इरादा करना कस्त करना, वया अमीदु और वो कस्त करता है इरादा करता है इला मा यश्तही उस चीज़ की तरफ, यश्तही इश्तहा यश्तही के माने चाहना, तो यह इला मा यश्तही यहाँ भी मौसूला है यश्तही है उसका सिला है मौसूल सिला मिलकर मजरूर हो जाएगा इला हर्फ़ जर का जर मजरूर मुतालिक हो जाएगा या अमीदु फ़ेल का। तो वह अमीदु और या अमीदु के अंदर हुआ कि ज़मीर है जो कि इस या अमीदु का फ़ाइल है और वो लौट रही है मरीज़ की तरफ अलमरीज़ की तरफ जो कि पहले आ चुका है, तो वह अमीदु और वो कस्त करता है इला मा यश्तही उस चीज़ की तरफ जिसकी वो ख्वाहिश करता है जिसकी वो चाहत करता है जिसको वो खाना चाहता है। तो डॉक्टर की बताई हुई दवा को छोड़ देता है और वो खुद खाता है उसको जो उसकी मर्ज़ी होती है अपने मन मुआफिक क्या है दवाएँ खाता है कुछ भी खाता है, तो ऐसा आदमी जो करता है तो क्या है वो आखिर में घास घाटा ही उठाता है, उसको खसारा ही होता है, उसकी बीमारी या तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा डेंजर उसकी सिचुएशन हो जाएगी। तो हर कोई पता है कि जो डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे पर अमल नहीं करता है, डॉक्टर के बताए हुए दवाओं को नहीं खाता है, अपनी मनमर्ज़ी से करता है, या तो उन दवाओं में कमी बेशी करता है या उन दवाओं में से कोई दवाओं को खाता ही नहीं या दवाओं को पूरी तरह से खाता ही नहीं है कुछ और खाता है, तो ऐसा आदमी कैसा होता है वाज़ह है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मतलब ऐसा है तो जो भी आदमी ऐसा करता है कि किसी की बताई हुई नसीहतों पर अमल नहीं करता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है या ऐसे ही मरीज़ की मानिंद होता है जो मरीज़ की डॉक्टर की बताई हुई दवाओं को छोड़ देता है और अपनी मन मुआफिक जैसा चाहता है करता है, तो इस मरीज़ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही वो आदमी जो किसी के नसीहत को कबूल नहीं करेगा तो उसको भी ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे फिर कह रहा है दिमाग कह रहा है आगे वहक़ुन अला मुआसिर सुल्तान, मुआसिर इज़ार से है ये कलमा असल में, इज़ार इज़ार कहते हैं जो इज़ार जैसे बांधते हैं जो नीचे जो इज़ार पहनते हैं तो जो बांधते हैं कमर पे वही इज़ार होता है और ये ताकत और कुव्वत के लिए आता है किनाए के लिए। तो मुआज़िर माने यहाँ पर हो जाएगा मुआविन, मुआज़िर का माना है मुआविन। तो वहक़ुन अला मुआज़िर मुआज़िर सुल्तान, तो मुआज़िर सुल्तान सुल्तान को माने बादशाह, मुआज़िर सुल्तान यानी कि बादशाह के मुआविन पर हक़ है यानी कि वाजिब है ज़रूरी है। क्या चीज़ वाजिब है, तो यहाँ पर ये हक़ुन अला मुआज़िर सुल्तान बादशाह के मुआविन पर वाजिब है, ये चीज़ जो यहाँ पर अन और उसके बाद जो चीज़ ये आ रही है एक पूरा जो उसलूब है
अन युबालिगा फि तहदीद लहू अला मा यजीदु सुल्तानहु कुव्वतन व यज़ीनहु वल कफ़ी अम्मा यदुर्रहु व यशीनहु। अन युबालिगा, अन यहाँ पर ये मसदरिया है, युबालिगा फ़ेल युबालिगो है जो कि वो युबालिगा हो जाएगा अन की वजह से। तो अन युबालिगा, बालिगा युबालिगो के माना होता है मुबालगा करना। अत्तहज़ीज़ हज़्ज़ा, हज़्ज़ा हज़्ज़ा के माना होता है उकसाना, उभारना किसी को। और हज़्ज़ा जब बाब तफ़ील में ले जाएंगे तो ये और ज़्यादा उस माने में मुबालगा आ जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किसी को उभारना। तो तहज़ीज़, तो अन युबालिगा फ़ि तहज़ीज़, और ये तो बज़ाते ख़ुद तहज़ीज़ का माना ही है, हज़्ज़ा के माने उभारना, तहज़ीज़ इसके अंदर मुबालगा है। फिर ऊपर से फ़ेल भी आ रहा है मुबालगा, तो बहुत सारे मुबालगा देने की बहुत ही ज़्यादा क्या है किसी, उभारना ये माना हो जाएगा। तो वहक़ुन अला मुआज़िर सुल्तान, बादशाह के मुआविन पर वाजिब है ये कि वो मुबालगा करे उसको। फि तहज़ीज़ लहू, ए लहू में ज़मीर जो होगी जा रही है सुल्तान की तरफ। अन युबालिगा फि तहज़ीज़ लहू, उस बादशाह को उभारने में मुबालगा करे। किस चीज़ से उभारने में? अलामा, उस चीज़ पर यजीदु सुल्तानहू, जो उसके इकतदार को बढ़ाए। किस एतबार से? ताकत और कुव्वत के एतबार से। व यसीन हो, और उसके इकतदार को मुज़य्यन और ख़ूबसूरत बनाए। इकतदार माने पावर, तो ये माना हो जाएगा ताकत और कुव्वत। तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि इसका इसका जो माना है, इसका जो मफहूम है वो ये है कि दिमना यहाँ पर कह रहा है कि बादशाह का जो मुआविन होता है उसके ऊपर वाजिब होता है कि बादशाह को उभारे ऐसे तमाम कामों पर जिन कामों से उसकी ताकत और कुव्वत और ज़्यादा बढ़ती है, और जिन काम के ज़रिए से उसके उसकी पावर या उसकी जो ममलकत है उसमें और ज़्यादा क्या है खूबसूरती वाक़ होती है। तो ये कह रहे हैं वह हक़ुन अला मुआज़िर सुल्तान, और बादशाह के मुआविन पर वाजिब है, लाजिम है ये कि वो मुबालगा करे उसको उभारने में, उस चीज़ पर जो चीज़ उसके इकतदार को बढ़ाती है। किस एतबार से? कुव्वत के एतबार से। वह यज़ीन हो, और उसके इकतदार को खूबसूरत बनाती है, मुज़य्यन करती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये मुब्तदा खबर की तरकीब हो जाएगी, हक्कुन अला मुआज़िर सुल्तानी। हक्कुन ये क्या हो जाएगा? ये खबर है, और अला मुआज़िर सुल्तानी ये जार मजरूर, अला हरफ जर मुआज़िर क्या हो जाएगा? मुजाफ़, सुल्तानी मुजाफिल है, ये मुजाफ़ मुजाफिल मजरूर हो जाएगा, अला हरफ जर का जर मजरूर मुतालिक हो जाएगा हक्कुन से। ये पूरा हक्कुन अला मुआज़िर सुल्तानी ये खबर मुकदम हो जाएगा, मुब्तदा मुअख्खर यहाँ पर हो जाएगा, जो अन और उसके माँ बाप जो ये पूरा इनके अन से लेकर के यहाँ यसीनों तक ये जो पूरा कलाम है, जो पूरी इबारत है, ये मुब्तदा हो जाएगी। और मुब्तदा इस वजह क्योंकि उसके शुरू में अन आया हुआ है, और जो कि अन हरफ मसदरी है, और अन हरफ मसदरी के बारे में ये मालूम है कि जब फेल पर आता है तो उस फेल को और उस फेल से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, फेल, फ़ाइल, मफूल, जार मजरूर, तमाम को क्या करता है ये? एक मस्दर बना देता है, यानी कि मस्दर की तावील में कर देता है। और मस्दर क्या होता है? एक मुफरद कलमे के मानंद होता है। तो अब जुमले के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर मुब्तदा की ज़रूरत है, खबर की ज़रूरत है, फ़ाइल की ज़रूरत है, मफूल की ज़रूरत है, मजरूर की ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत होगी वो अब ये मस्दर उसकी उस काम को पूरा करेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन युबालिगा, तो युबालिगा फ़ि तहदीद लहू, वाज़ है इसके बाद युबालिगा फ़ेल है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? हुआ की ज़मीर है जो कि इसका फ़ाइल है, और लौट रही है मुआज़िर सुल्तान की तरफ। और फ़ि तहज़ीज़ लहू, ये जर मजरूर मुतालिक हो जाएगा युबालिगा से, वाज़ है ये जर मजरूर, उसके अंदर भी एक अच्छी थोड़ी सी मतलब डिटेल है। अलामा यहाँ पर माँ मौसूला है, उससे पहले आला हरफ जर आया हुआ है, माँ यजीद व सुल्तान हो, यजीद व फ़ेल है इसके अंदर, और यजीद व फ़ेल है, और इसके अंदर असम यजीद भी क्या है? असल में यजीद है, ज़्यादा यजीद बब ज़रबा से है, ज़्यादा यजीद हो, ज़्यादा यजीद हो, तो यजीद व यजरबो के अदन पर है, फिर इसमें तालील हुई है, तो क्या हो गया? यजीद हो, या की हरकत माकबल और अज्जा को दे दी गई, तो यजीद हो गया। तो यजीद माने होता है बढ़ाना, सुल्तान, तो यजीद फ़ेल है, इसके अंदर की ज़मीर जो कि फ़ाइल है, और वो लौट रही है माँ मौसूल की तरफ, सुल्तान हो इसका मफूल भी है। कुवतन यजीद व सुल्तान हो, ये कुवतन तमीज़ है, और ये तमीज़ जो है, तमीज़ की दो किस्में होती हैं, एक तमीज़ मुफरद और तमीज़ नस्बत या तमीज़ जुमला। तमीज़ मुफरद जो किसी मुफरद के बाद आता है, जैसे इशरूना किताबन, तो इशरूना मुफरद है, उसके बाद किताबन तमीज़ इसकी आई हुई है, ये तमीज़ मुफरद होती है। ये तमीज़ अगर किसी जुमले के बाद आए तो वो
तमीज़ जुमला या तमीज़ नस्बत कहते हैं। यहाँ पर यसीद सुल्तान हो जो उसके इख्तदार को बढ़ाए, तो इख्तदार को बढ़ाना किस एतबार से, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इबहाम यहाँ पर है, उस इबहाम को दूर किया है इस कलमे ने कुव्वतन ने आकर, यानी कि उसके इख्तदार को बढ़ाए ताकत और कुव्वत के एतबार से। तो अब ये कुव्वतन जो है इस जुमले के अंदर इबहाम को दूर कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे तमीज़ुल जुमला, यानी कि जुमले के इबहाम को दूर करने वाली तमीज़, या चूँकि जुमले के अंदर नस्बत होती है तो इसलिए इसको तमीज़ नस्बा भी कहते हैं। तो वाज़ह हो गया अलामा यज़ीद सुल्तान हो कुव्वतन व यज़ीन हो, तो यज़ीद फ़ेल है, यज़ीद सुल्तान हो कुव्वतन व अरफ़ियत है, यज़ीन हो मातूफ़ है, ये एक अलग जुमला है जो कि यज़ीदों पर। ये दो जुमले हैं, दोनों जो पहला जुमला मातूफ़ अलैह है, दूसरा जुमला मातू पहला जुमला मातूफ़ अलैह है, दूसरा मातूफ़ है, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ ये सिला हो जाएंगे बाईस में मौसूल के। या हम कहेंगे पहला जुमला क्या है, सिला है माइस में मौसूल का, दूसरा उसी पर मातूफ़ है, मौसूल सिला ही मजरूर हो जाएगा अला हरफ जर का, चार मजरूर मुतालिक हो जाएगा तहज़ीज़ मसदर से। और अब इस तरह से अय्यू बालिगा जो है ये पूरा का पूरा जो मसदर मुअव्वल है ये यू बालिगा जो फेल हो जाएगा, इसमें फ़ाइल और फिर ये क्या हो जाएगा, फिर तहज़ीज़ लहू उसी से मुतालिक हो जाएगा, फिर तहज़ीज़ लहू फी हरफ जर हो जाएगा, तहज़ीज़ जो है ये मसदर है, लहू इसी से मुतालिक है, और अला जो है ये भी इसी तहज़ीज़ से मुतालिक है। तो तहज़ीज़ अपने इन दोनों मुतालिकात से मिलकर के अब ये क्या हो जाएगा, मजरूर फी हरफ जर का, जर मजरूर मुतालिक हो जाएगा युबाल का, और युबाल का फ़ेल और फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर के फिर मसदर हो जाएगा क्योंकि उस पर अन दाखिल है। तो इस तरह से पूरा ये मुब्तदा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, खुलासा कलाम करने के लिए हक़ुन अला मुअज़्ज़िन सुल्तान ये ख़बर हो जाएगी, और ये वाला हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर एक चीज़ और है, वलकफ़ी अम्मा यदुर्रु व यशीनु, ये भी जो है इसी से ताल्लुक़ इसका ही है, जो मुब्तदा मसर जो मुब्तदा जो था जो कि मसर मौल, इसी से ताल्लुक़ इसका भी है, क्योंकि अलकफ़ी जो है ये तहज़ीज़े पर क्या है, ये मातूफ़ है, तहज़ीज़े पर मातूफ़ है, तहज़ीज़ जो यहाँ पर है, तो फिर तहज़ीज़े व फिलकफ़ी, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पर ये बना था ये मजरूर बना था फ़ी हरफ़ जर का, तो ये भी इसी पर मातूफ़ है, तो ये भी क्या है, मजरूर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तहज़ीज़े التحزيز له على ما يزيد سلطانه قوة ويزينه, तो यहाँ से एक ये क्या हो गया, एक ये मातूफ अलैह हो जाएगा फ़ी, ऐसे भी अगर फ़ी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखते हैं, कहते हैं التحزيز له على ما يزيد سلطانه قوة ويزينه, ये मातूफ अलैह हो जाएगा, व अरफ़ियत अलकफ़ी अम्मा यदुर्रुह व यशीनह, ये मातूफ हो जाएगा, और इस तरह से ये मातूफ अलैह और ये मातूफ दोनों मिल करके फिर मजरूह हो जाएंगे फ़ी हरफ़ जर का, और चार मजरूह फिर मुतअल्लिक़ हो जाएंगे युबालिगा से। वाज़े है बात, तो कह रहे हैं कि वलकफ़ी कफ़ या कुफ़ माने होता है रोकना, कफ़ यहाँ पर है कफ़ या कुफ़ माने रोकना, तो यहाँ पर है अलकफ़ वलकफ़ या अम्मा यदुर्रुहु व यशीनुहु, तो क्या है यहाँ पर अगर इससे हम जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा अयुबालिगा फिलकफ़ी, और क्या है वो मुबालगा करे, यानी कि बादशाह का जो मुआविन है ये मुबालगा करे रोकने में, किसको रोकने में, उस बादशाह को रोकने में, किस चीज़ से, अम्मा उस चीज़ से, यज़ुर्रुहु जो चीज़ उस बादशाह को नुकसान पहुंचाए, व यशीनुहु और उसको क्या है दागदार करे, उसको ऐबदार बनाए। तो यहाँ पर क्या था, ज़ारा यज़ीनु माने खूबसूरत बनाना, मुज़य्यन बनाना, इसी का उल्टा बिल्कुल है, इसी का अपोजिट जो वर्ड है वो है यशीनुहु, शाना यशीनु, इसके माना होता है किसी चीज़ को बुरा बनाना, बदनुमा बनाना, ख़राब बनाना, ऐबदार बनाना, ये तमाम माने इसके हैं। तो यहाँ हो गया कि बादशाह के मुआविन पर ज़रूरी है कि वो मुबालगा करे उस बादशाह को उभारने में, उस चीज़ पर जो चीज़ उसकी इक़्तदार को बढ़ाए ताकत और क़ुव्वत के एतबार से, और उसकी इक़्तदार को मुज़य्यन करे, और ऐसे ही मुबालगा करे उसको रोकने में, उस चीज़ से जो चीज़ उसको नुकसान पहुँचाए और उसको ऐबदार बनाए। उसके बाद करें कि वख़ैरुल इख़्वानि वल आमानि अक़ल्लुहुम मुदाहनतन फ़ी नसीहा, और भाइयों में या दोस्त भाइयों में, यानी कि भाई से मुराद यहाँ दोस्त आम है, तो या भाई भी का अगर हम करें यहाँ पर तो आना वाजे हो जाएगा कि और भाइयों और मददगारों में सबसे बेहतरीन उनमें से नसीहत में सबसे कम चापलूसी करने वाला होता है। तो यानी कह रहे हैं कि जो भाई लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, जो और मददगार लोग होते हैं, उनमें जो नसीहत करते हैं नसीहत के एतबार से, यानी कि जो भाई और जो भाई लोग हैं या दोस्त लोग हैं, मददगार लोग हैं, तो इनमें नसीहत के अपनी नसीहतों में सबसे कम चापलूसी करने वाला जो शख्स होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। यानी कि चापलूसी करता है कोई तो आदमी कभी भी बेहतर नहीं हो सकता है। मुदाहना माना होता है अलमुराआत, मुराआत रियाकारी, यानी कि दिखाना, तो कोई आदमी नसीहत करता है सिर्फ दिखाने के लिए,
तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे मुदाहना, उसको बोला जाता है अरबी में तो अल मुदाहना। तो कहेंगे यहाँ पर खैरुल इख़वानी वल आवानी, तो ये मुब्तदा हो जाएगा मुज़ाफ़र मुज़ाफ़र मिलकर, और अक़ल्लुहुम मुदाहनतन फिन नसीहा, अक़ल्लुहुम ये अक़ल्लुहुम मुज़ाफ़र मुज़ाफ़र लेकर के फिर ये क्या हो जाएगा मुमय्यिज़ हो जाएगा मुदाहनतन, उसकी तमीज़ हो जाएगी फिन नसीहा, मुतालिक हो जाएगा मुदाहनतन से। तो भाइयों और मददगारों में नसीहत के अंदर कम, भाइयों और मददगारों में सबसे बेहतरीन वो होता है जो अपने नसीहत में क्या है कम चापलूसी करने वाला होता है। इसी पर इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में जो है और इसको समझेंगे और बाकी जो और चीज़ें उसको समझेंगे।